कमी वहां पर, जिस तरीके से कहते हैं मोहम्मद शमी और हमेशा टीम के लिए दमदार जो रोल निभाते हैं, योगदान देते हैं, हम संत दमड़े उनसे गुजारिश करते हैं आइए मंच के ऊपर। सतीश शेठ कटेकर, समीर शेठ कटेकर, इनसे भी गुजारिश करेंगे आइए, और उनके समेत आर पाटिल साहब आपका स्वागत है आइए मंच के ऊपर। आइए एकवीरा एकता स्पोर्ट्स भंगारपाड़ा विपक्ष प्रेमनाथ इलेवन मुरबी। तो एक तरफ मिथुन नाइक साहब आप देख सकते हैं जावले गांव के, आई एकवीरा एकता स्पोर्ट्स भंगारपाड़ा टीम के बिल्कुल पुरस्कृत करते हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। एक तरफ गोल्डी इलेवन वाकलन टीम के पुरस्कृत करते सुहास शेट गोंदिया आपका स्वागत है। तो प्रेमनाथ इलेवन मुरबी टीम को यहां पर मैच का आनंद लेते हुए अनुप एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा अनुप शेख पाटिल के माध्यम से शुभकामना चुके उनका स्वागत करेंगे। मनीष पाटिल विभाग प्रमुख शिवसेना, मंगेश पाटिल, मिथुन पाटिल साहब, राजेश मात्रे साहब, अविनाश पाटिल साहब और वाईसीसी आर्चरी 11 मुरबी टीम के दिग्गज पैकर नरेश पाटिल साहब आपका स्वागत है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। टाइगर क्रिकेट समालोचक अर्जुन के अध्यक्ष संदीप जी पाटिल साहब आपका स्वागत है। मॉन्टी भी मैच का आनंद लेते हम सभी का स्वागत करते हैं और चलते हैं इस मैच की तरफ। ये फ्रेश मैच है, 5 ओवर का मैच आपके सामने नजर आ रहा है। गेंदबाज संकेत, पहली गेंद बिल्कुल यहां पर ऑफ साइड में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद टर्न हुई और ऊपर लगकर गेंद सीधा डीप मिड विकेट में, गेंद को रोके, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तब तक बल्लेबाज प्रशांत और सिद्धेश ने 2 रन बटोरे और 2 रनों की मदद से आई एकवीरा ओमसाई एकता स्पोर्ट्स भंगारपाड़ा 11 टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। शुरुआत काफी अच्छी नजर आती हुई, संकेत की गेंदबाजी की बात करेंगे फिलहाल तो वो टर्न करने की ताकत है। बड़े बड़े टूर्नामेंट व्यावसायिक जो होते हैं, चाहे वो नीलेश दादा भिंताड़े ट्रॉफी हो, बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंटों ने संकेत अपने छाप छोड़ी है और आज भी इस आउटी मैदान कुंडेवाल में अपना यहां पर जज्बा दिखाते हुए। डॉट बॉल की समाप्ति, प्रशांत ने पिछले कुछ टूर्नामेंटों में काफी प्रभावित किया है, काफी अच्छी बल्लेबाजी हमेशा इस बल्लेबाज के ओर से रही है और आज भी कोपर के मैदान के ऊपर शुरुआत काफी खतरनाक दी थी इस बल्लेबाज ने। वही बल्लेबाज अब खेलने के लिए तैयार होते हुए संकेत के सामने आगे आकर खेलने का प्रयास, मिड ऑफ को क्लियर करना चाहते थे, मुकेश ठाकुर थे वहां पर खिलाड़ी, कैच को नहीं लपक पाए, उनसे ऊपर से खेलने का यह प्रयास था। ये सोच अच्छी है मैं कहूंगा बैट्समैन की, अगेंस्ट द स्पिन जब आप भी खेलते हो तो टप्पा पड़ने से पहले आप आगे आकर उस टप्पे को पूरी तरीके से कनेक्ट करें बैट के ऊपर, वरना जो आप समय देंगे स्पिन गेंदबाज को तो वो टर्न उनके उतनी घातक होती है। जब जीत तूफानी हो तो रास्तों की परवाह नहीं करते। शुरुआत लाजवाब दोनों भी टीमों की तरफ से, सिद्धेश भास्कर खेलने के लिए तैयार होंगे संकेत के इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। पिछली कुछ गेंदे है 3 वो अकेले बल्लेबाज प्रशांत ने खेलिए, स्वाक स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज सिद्धेश, बल्ले के रडार में गेंद आई नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। फिलहाल किंजल ट्रॉफी और आदर्श ट्रॉफी खेली गई थी तो उस टूर्नामेंट में भी इस बल्लेबाज ने तूफान मचाया था, अर्धशतक कंप्लीट, लगातार छक्कों की पौचार, जैसे वो भोपाल में उन्होंने पारी खेली थी वो पारी बिल्कुल उन्होंने किंचल और आदर्श ट्रॉफी में दिखाई थी। और आखिरकार प्रेमनाथ इलेवन मुरबी टीम मात्र उस टूर्नामेंट में, उस मैच में सुपर 6 में क्वालिफाई हो चुकी है। 2 टीमें एक ही पड़ाव में थी, एक ही लॉट में थी, लेकिन प्रेमनाथ इलेवन मुरबी सुपर 6 में आदर्श एंड किंचल ट्रॉफी में पहुंच गई है। गेंदबाज संकेत ओवर द विकेट से तैयार, अच्छा शॉट है, शॉट मिड विकेट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक डीप मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ, शानदार हिट सिद्धेश भास्कर के बल्ले से, ये पहला चौका 4 रन। धन्यवाद बिल्कुल आप आदर्श सरपंच उपसरपंच चषक 2023 का ये शानदार पर्व इंजॉय कर रहे हैं। ये तीसरा मुकाबला है पहले राउंड का, टॉस जीता जरूर प्रेमनाथ इलेवन मुरबी टीम के कप्तान ने और फील्डिंग करते हुए पहले ओवर में अभी तक रन बनाए। यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम भंगारपाड़ा अच्छी सोच है। चौका आने के बाद ये संकेत की आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल लेना बहुत जरूरी है और वही सोच दिखाई सिद्धेश भास्कर ने, सिंगल के साथ स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे। ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद हमें छोटा बकास और जानकारी देते हुए कुंडेवाल टीम की रन मशीन 8 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर आई एकवीरा एकता स्पोर्ट्स भंगारपाड़ा टीम।
तो बिल्कुल पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 8 रन, स्थिति अच्छी है। इस मैदान के ऊपर जब भी भंगरपाड़ा 11 टीम खेलती है ना, तो उनके पल्ले से हमेशा बड़े बड़े छक्के, और इनके लिए ये ग्राउंड काफी हद तक लकी भी रह चुका है। हमेशा दो मुकाबले जीती है, तीसरे के बाद कभी कभी जाती है, लेकिन देखिए इस सीजन में इस आदर्श सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी में ये टीम किस तरीके का परफॉर्मेंस देगी प्रेमनाथ 11 मुरबी टीम के खिलाफ। नेक्स्ट मैच आखिरी मुकाबला होगा पहले राउंड का, जहां पर गोल्डी 11 वाकलन विपक्ष उनके खिलाफ खेलेगी सांभर लीग। दो टीमें एक दूसरे के सामने यहां पर लड़ेगी। तो परेश ठाकुर आएंगे नए गेंदबाज, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, किफायती शुरू ऑलराउंडर की हैसियत से हमेशा इस खिलाड़ी को देखा है। वो करेंगे सेकंड पावर पे की शुरुआत, और इस बार टैप किया इस गेंद को, खिलाड़ी आते हुए डीप में दूर से डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद को उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक एक रन लेने का पर्याप्त समय था। इसी एक रनों की मदद से आई एकवीरा एकता स्पोर्ट्स भंगरपाड़ा 11 टीम का स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। आने वाले 27 तारीख से लेकर एक बड़ी टूर्नामेंट ओम साहिब भंगरपाड़ा टीम के माध्यम से आपको नजर आएगी, और एक बड़ी टूर्नामेंट भंगरपाड़ा गांव में आपको नजर आएगी गेंदबाज तैयार होते हुए। तो इस बार अच्छी गेंद जरूर थी, देखना होगा कि ये बल्ले पर लगी या नहीं, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जरूर है। व्हाइट बॉल का इशारा, 1+1 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। दो की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 11 रन बिना कोई विकेट को नुकसान के ऊपर। प्रशांत कटेकर और सिद्धेश भास्कर ये दो आरंभिक बल्लेबाजों के द्वारा एक अच्छी स्टार्ट देने का प्रयास यहां पर करते हुए, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी ये सफर जारी है। ये फुल टॉस बॉल, ये सफर जारी है, लेकिन सीधा गेंद खिलाड़ी के हाथ में, एक समय लग रहा था ये 6 ही होगा। सर्वेश ठाकुर के द्वारा बढ़िया कैच, बैट्समैन लौटेंगे सिद्धेश भास्कर बैक टू द पवेलियन, बहुत बड़ा छटका। तो बिल्कुल यहाँ पर सिद्धेश का ये शॉट्स काफी अच्छा था, लेकिन वहां पर कमाल की फील्डिंग की सर्वेश ठाकुर के द्वारा, बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा, और आखिरकार बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा, बहुत बड़ा छटका टीम भंगरपाड़ा को लगता हुआ। एकता का ये संदेश आप देख सकते हैं, पीली नंबर पीली की जर्सी प्रदान करती हुई, और खास करके बात करेंगे एकता नाम आता है तो निश्चित तौर पर संतु दादा दमड़े हमेशा एकता बनाए रखी, और शांतता का ये हमेशा संदेश रहता है। एकता का मतलब एकजुट होकर आप हमेशा खेले, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सतीश जी कटेकर, समीर जी कटेकर, हमेशा इनका भी दमदार योगदान, हमारे आबा होंगे उनका भी काफी कमाल का योगदान उनकी टीम के लिए। और लीजिए आज भंगरपाड़ा टीम बड़े पड़ाव पर है, आज प्रेमनाथ 11 मुरबी के खिलाफ अपना मुकाबला। यह अच्छा शॉट है इनफील्ड के ऊपर से, मिड ऑफ को क्लियर किया, सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, बैट्समैन नीलेश कोसाबी के बल्ले से शानदार हिट, 6 रन। स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन फिलहाल लगे हैं। अच्छा यहां पर पहली गेंद के ऊपर शॉट लगाया पूरी तरीके से, जो लॉन्ग ऑफ खाली था आप थोड़ा सा लॉन्ग ऑफ को लाने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी थे उन्हें लॉन्ग ऑफ के रीजन में, मिड ऑफ का खिलाड़ी था उसे शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ। आरआर भास्कर सामाजिक सांस्कृतिक विकास मंडल जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट का आयोजन, बिल्कुल आप देख सकते हैं आदर्श सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी 2023 का ये शानदार पर्व आपके सामने नजर आता हुआ। ये रन जोखिम भरा था जरूर, लेकिन तब तक बल्लेबाज के पास बिल्कुल समय था, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 19 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर।
प्रयास दरमियान सन्मान्य अतिथि मित्रांनो पाहू शकाल आर आर वास्कर साहेब विद्यमान उपसरपंच यांचे या ठिकाणी शुभ आगमन झाले, कारण आज खऱ्या अर्थाने आर आर वास्कर सामाजिक सांस्कृतिक विकास मंडळ यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण खऱ्या अर्थाने पाहतोय आणि या स्पर्धेसाठी ज्यांचे दमदार योगदान लागलंय ते आर आर वास्कर साहेब विद्यमान उपसरपंच कुंडेवाल यांना विनंती असेल या व्यासपीठावर सन्मानपूर्वक आपलं सहर्ष स्वागत। तो विकेट जाएगा मैदान से बाहर, निलेश ने शुरुआत दमदार देने का प्रयास किया था लेकिन वही निलेश मात्र जल्दबाजी में थे, बढ़िया कैच वहां पर पकड़ा, परेश ठाकुर को मिलती हुई दूसरी सफलता, दो बड़े खिलाड़ियों को आउट करने का काम यहां पर किया है परेश ठाकुर ने, 19 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, दूसरा पावर पे मैदान के अंदर जारी है, त्याग दो सब ख्वाहिश है कुछ अलग करने के लिए क्योंकि राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए, तो यहां पर क्रिकेट में आपको बने रहना है दोस्तों, तो आपका फिजिकल फिटनेस, आपका सराव, आपके शॉट सिलेक्शन है, आपके किस तरीके से रन बनाने हैं, कैसा खेलना है, टीम की परिस्थिति क्या है, सभी को आपको देखना होता है। गेंद बिल्कुल पड़ने के बाद नीचे रही, डॉट बॉल की समाप्ति, दूसरा ओवर समाप्त, दो ओवर के समाप्ति के बाद यहां पर रन संख्या बनी है 19 रन, दो विकेट के नुकसान के ऊपर टीम आई एकवीरा एकता स्पोर्ट्स बंगर पड़ा। नए गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के मार्ग पर संकेत पाटिल, पहले स्पेल में उन्होंने रन खर्च किए थे मेरे ख्याल से टोटल 8 ही रन, सेकंड स्पेल का कोटा फिर से एक बार इनके कंधों के ऊपर नजर आता हुआ, टीम की ओर से तीसरी और व्यक्तिगत दूसरा ओवर का यहां पर मारा करेंगे, सामने बल्लेबाज होंगे प्रशांत कटेकर, चेतन गोसावी अभी भी डगआउट में सुरक्षित है, उन्हें थोड़ा सा पीछे रखा है क्योंकि दो विकेटे जल्दी गवाई है आई एक एकता स्पोर्ट्स 11 बंगारपाड़ा टीम ने, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये थोड़ा सा रूप पीछे रखा गया उन्हें। ग्लोबल फुल टॉस बॉल, हल्के हाथों से ड्राइव किया इस गेंद को, खिलाड़ी आते हुए दूर से एक रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश करते हुए गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन पूरे किए। प्रशांत देखिए पूरी तरीके से टीम की परिस्थिति हालात है, उस हालात के साथ मजबूर जरूर है और अब यहां पर उन्हें भी पता है कि विकेट बचानी है, रन आगे जाकर बनेंगे दो ओवरों में, शायद उसकी वजह से ये साबत पवित्रा पूरी तरीके से लेते हुए। घायल तो यहां हर परिंदा है मगर फिर से उड़ा वही जिंदा है, लवली शॉट, बैकफुट पर जाकर खेला है, कवर्स की दिशा में पावर प्ले, फायदा जरूर मिलेगा, खिलाड़ी दौड़ रहे पीछे लेकिन गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ, 4 रन। बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं दमदार यहां पर शुरुआत नजर आती हुई प्रशांत के द्वारा, इस ओवर में थोड़े से दबाव में थे लेकिन एक दबाव में वो क्या कमाल का शॉट सिलेक्शन है, जैसी गेंद टर्न हो रही है उस हिसाब से वो बल्ले का फेस भी खोल रहे हैं, रन मिलेगा एक एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन, दो विकेट के नुकसान के ऊपर हमारे आर आर वास्कर साहब विद्यमान उपसरपंच और आर आर वास्कर सामाजिक सांस्कृतिक विकास मंडल इनके द्वारा इस टूर्नामेंट का ये शानदार आयोजन नजर आता हुआ उनका स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। सदा शेटवास्कर हमारे ऋषि होंगे, उपसर माजी उपसरपंच ऋषि भुईर होंगे जो हमेशा योगदान देते इस टीम को, ऋषि वास्कर माफ कीजिएगा। तो इस बार लगातार प्रेशर में जरूर है, टीम का स्कोर रुका हुआ है 26, पूरी तरीके से इस पारी की चर्चा करेंगे तो केवल एक छक्का बैट्समैन निलेश कोसाबी के बल्ले से आया था, पिछले मुकाबले में छक्कों की तो बौछारी हुई थी, बारिश हुई थी, लगातार 5 छक्के निखिल गोबारी के माध्यम से भी हमें देखने को मिले, लेग स्टंप से बाहर है अंपायर का बिल्कुल वाइट बॉल का इशारा था, वो वाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन। एक और खुशखबरी होगी आउटी मैदान कुंडेवाल के मैदान के ऊपर, आने वाले जनवरी महीने में तारीख चंद समय में हम आपके पास डिक्लेयर करेंगे, थोड़ी सी चर्चा चल रही है वहां पर, समाधान हमारे ऋषि वास्कर। इस बार छोटी लेंथ जरूर थी लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई, केवल एक ही मिलेगा, एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन, एक गेंद इस ओवर की, एक गेंद यहां से बची हुई है, 28 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 ओवर का खेल यहां, तीसरे ओवर का खेल जारी है मैदान में, अचानक सिद्धिस का विकेट गवाने के बाद मुश्किलें नजर आती हुई
गेंदबाज ओवर द विकेट से तैयार। इस बार डॉट बॉल की समाप्ति इसी के साथ ओवर नंबर तीसरा हुआ समाप्त। तीन ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है केवल 28 रन दो विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रेक्षक खुशखबरी असेल कारण पानी घेऊन जा मैदानात, कारण येणाऱ्या जानेवारी महिन्यामध्ये कमिंग सून आर आर वास्कर सामाजिक सांस्कृतिक विकास मंडळ आयोजित आदर्श सरपंच आणि उपसरपंच ट्रॉफी 2024 म्हणजेच नवीन वर्षामध्ये ही नाईटची स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल। तारीख खऱ्या अर्थाने समाधान वास्कर डिक्लेअर करतीलच, परंतु कमिंग सून जानेवारी महिन्यामध्ये तुम्हाला याच मैदानावरती तीन रात्री चालणारी स्पर्धा पाहायला मिळेल आणि नक्कीच एक यशस्वी स्पर्धा। जेव्हा जेव्हा आम्ही या मैदानावरती आलोत तेव्हा तेव्हा दमदार यशस्वी नाईटच्या स्पर्धा देखील पाहिल्यात आणि पुन्हा एकदा कमिंग सून जानेवारी महिन्यामध्ये तुम्हाला यशस्वी नाईट स्पर्धा पाहायला मिळेल। बिल्कुल यहाँ पर तीन ओवर ड्रिंक्स थी मैदान में, वो ड्रिंक्स मात्र समाप्त होता हुआ निकेश पोयूरेन के डेकोरेशन स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, जिनका ये मंडप डेकोरेटर पूरी तरीके से चार चांद लगाता हुआ। कृषा ग्राफिक्स उनके द्वारा भी काफी अच्छा योगदान, पूरी तरीके से जो लॉट्स होते हैं उनको बनाने के लिए उनके वो डिजाइन है वो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आते हुए। फ्लेक्स पैम्पलेट ट्रॉफी स्टिकर कटआउट सभी देखने को मिलेगा। बैकफुट पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ, स्ट्रॉक जरूर था लेकिन वहां पर डीप में खिलाड़ी दूर से बाउंड लाइन के नजदीक आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे दो रन पूरे और इसी दो रनों के मदद से फिलहाल टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रनों के ऊपर। दो रन बटोरे 28 रन थे तीन ओवर में। इस ओवर की शुरुआत बंटी ठाकुर ने की है, दो रन मिलेंगे अब सिद्धेश आउट होने के बाद। चेतन को भी यहां पर जल्दी आना बहुत जरूरी होगा। अच्छा शॉट है, शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को चिरती हुई सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर में, रोकी गेंद को लगातार दो रन बटोरते हुए बल्लेबाज, टू डबल्स दो गेंदों के ऊपर दो डबल्स मिलते हुए टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है इस वक्त बात करेंगे 32 रन। समय समय का खेल है छोटे, जिसका आ गया वो छा गया। क्या यहां पर दिखाना होगा बल्लेबाज प्रशांत और प्रीतम को कि यहां से पारी को आगे लेकर जाना है, क्योंकि अगर आपके डगआउट में अगर खिलाड़ी चेतन सुरक्षित है तो आपके लिए वो बड़े जोखिम लेने होंगे, क्योंकि उन्हें गेंदें कितनी मिलेगी ये भी सवाल होगा। एक बड़े खिलाड़ी की तो निश्चित तौर पर एक निशानी होती है, जितनी ज्यादा गेंदें खेले वो उसकी टीम के लिए भी फायदा होता है। फिलहाल यहां से तीन गेंदें समाप्त हो चुकी है, चेतन के हिस्से में नौ गेंदें अभी फिलहाल बची है, उनमें से चेतन के हिस्से में कितनी गेंदें आएगी ये भी देखने वाली बात बनेगी। जीत भी बनो वहां तूफान भी हार जाता है, जहां कश्तियां जीत पे होती है पूरी तरीके से यहां पर जीत लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुरबी टीम प्रेमनाथ इलेवन की टीम मुरबी टीम की गेंदबाजी काफी खतरनाक नजर आ रही है। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल बैकफुट पर जाकर पंच किया है, सर्वेश ठाकुर वहां पर मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे। तब तक एक रन तो पूरा क्या दूसरे की तलाश में है, डायरेक्ट हिट प्रशांत होंगे बैट्समैन आउट और इसी के साथ ये ओमकार ने डायरेक्ट हिट किया, विकेट जाएगा मैदान से बाहर। तीसरा टीम का टोटल स्कोर है रुका हुआ फिलहाल 34 रन। तो चलिए विकेट जाएगा, नेक्स्ट मैच हम जरूर गुजारिश करेंगे गोल्डी 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के कप्तान और उनके खिलाफ खेलेगी वेतालेश्वर 11 सांबरली टीम के कप्तान। टॉस के लिए तुरंत संपर्क करें, इन दो टीमों के बीच में एक सब काफी अच्छी लड़ाई नजर आएगी। एक तरफ केतन मात्रे
पूरे भारतवर्ष टेनिस बॉल क्रिकेट का बाइकर मैन, 32 बाइक इनके नाम पर, 31वीं बाइक एसएससी कंबालपाड़ा ट्रॉफी में, 32 नंबर की बाइक आपने देखी दातिवली की टूर्नामेंट में, और 4 खिलाड़ी अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल, कमाल के अर्धशतक उनके नाम पर, जितने बाइक उससे ज्यादा उनके नाम पर अर्धशतक है टेनिस क्रिकेट विश्व में। तो एक तरफ आपको रजत मुंडे नजर आएंगे, मिस्टर कंसिस्टेंट जिन्हें कहा जाता है, लेफ्ट हैंडर ऑलराउंडर खिलाड़ी, यानी कि दो दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में अगला मुकाबला आपके सामने होगा। राउंड द विकेट से बॉल फ्लोटर जरूर फेंकी थी अलोंग द कारपेट, डी गेंद जा रही है डीप में, उठाएंगे फील्ड करेंगे दूसरे का प्रयास, लेकिन मना कर दिया वहां पर प्रीतम नमड़े ने, रन मिलेगा एक, एक की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल 35 रन इस ओवर में, 7 रन बंटी ने खर्च किए। सैम ठाकुर शायद आज टीम में नहीं होंगे, उसकी वजह से यहां पर बंटी को जल्दी आमंत्रित किया, बंटी राउंड द विकेट से, चलिए इस बार लगा है शायद बल्ले का बाहरी किनारा, ओमकार के द्वारा यह बढ़िया कैच पकड़ा है और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। प्रेमनाथ 11 मुरबी का यह कमबैक, 7 साल के बाद एक नई टीम नजर आ रही है जिसने रायगढ़ ठाणे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में काफी हाहाकार मचाया था, फई टीम फिर से एक बार अपने पटरी पर आ रही है। एक और विकेट आएगा, 4 ओवर का खेल समाप्त, 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 35, 35 रन विकेट गवाई है 4। तरीके से सर्वेश ठाकुर एक अच्छे ऑलराउंडर ये भी खिलाड़ी है, मिस्टर केपीएल कारगर प्रीमियर लीग के बाइकर मैन, कमाल का परफॉर्मेंस रहा इस खिलाड़ी का। 2018 या 19 के करीब उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, अर्धशतक ठोका पहले ही पदार्पण के मुकाबले में, उसके बाद पीछे मुड़कर देखा ना, इस खिलाड़ी ने जगह बनाई अपनी टीम में। ओपी गेट करने का प्रयास, खुद गेंदबाज आते हुए बंटी उनका साथ देते हुए डॉट बॉल की समाप्ति, चलिए डॉट बॉल के साथ इस ओवर की हुई है शुरुआत। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है ना, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां से कम 5 गेंदों में 15 भी आएंगे तो शायद 50 का टारगेट इनके गेंदबाजों के लिए बना रहेगा इस मैच में, लेकिन वो कोशिश चेतन को करनी पड़ेगी बंगरपाड़ा 11 टीम के लिए। वो जड़ में डालने का प्रयास जरूर किया था, खोद कर निकाला इस गेंद को, एक रन तो जरूर पूरा होता हुआ, दूसरे का प्रयास जोखिम था ये चेतन के लिए, मैं कहूंगा बाल बाल बचे, लेकिन पहुंचे सुरक्षित। ये नए बल्लेबाज की बात चर्चा करेंगे तो मेरे ख्याल से नॉन स्ट्राइक गेंद पर रोशन तांडेल, उन्हें पहुंचना चाहिए था जल्दी, क्योंकि वो चेतन की बात करेंगे, वो खेल कर भी लगभग पहला रन उन्होंने कंप्लीट किया था, तब तक वो पहुंचे भी नहीं थे रोशन। देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तेज रहना भी जरूरी होता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही मैदान को मैच में बदलता है, जिसने रास्तों से जंग जीती है वही मैदान में हमेशा रास्ता ढूंढता है। बाहरी किनारा रिले कैच ये नजर आ रही थी, देखिए आप भी रोशन पूरी तरीके से दमखम डाइव लगाकर इस कैच को लेने का प्रयास किया था, जिस तरीके से बिग बैश में आपको ये रिले कैच अक्सर बाउंड्री लाइन के नजदीक नजर आते हैं, बिल्कुल ये बंटी के हाथों से कैच छूटी थी, रोशन ने उसे कवर करने का प्रयास जरूर किया था, डाइव लगाई थी, लेकिन अंतिम क्षणों में वो मात्र क्या छूटा, एफर्ट ला जवाब था, हेड्स ऑफ यू रोशन। गेंदबाज सर्वेश ओवर द विकेट से तैयार, ये बड़ा शॉट रोशन के बल्ले से तलाश थी शॉट की, सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से सीमा रेखा पार, मच नीडेड सिक्सर सीमा पार, 6 रन। थैंक यू डीजे, देखिए एक मैजिक फिगर आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 44 रन 4 विकेट 4 ओवर 4 बॉल 4 रनों के ऊपर चेतन खेल रहे हैं, वो भी 4 गेंदों में, एक अलग अलग आंकड़े नजर आते हुए।
क्या मैच यहाँ पर जो जिस तरीके से प्रयास कर रही है टीम आई एकवीरा एकता स्पोर्ट्स 11 भंगर पड़ा जो पूरी तरीके से थोड़ी सी पीछे थी लेकिन एक छक्के ने यहाँ पर थोड़ा सा हर्ष रोमहर्ष यहाँ पर बढ़ा दिया होगा उनके खिलाड़ियों का। दो गेंद यहाँ से बची हुई एक और क्या बड़ा शॉट तगड़ा आएगा जो 50 तक जाना चाहती है। तेज बॉल डालने का प्रयास जरूर किया था सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल की समाप्ति। मैच में बने रहना है तो हालात से डरना क्या, जंग मैदान में जा रही है तो फिर हार को नहीं देखा जाता बल्कि जीतना कैसे है यही देखा जाता है। नेक्स्ट मैच सांबरली विपक्ष वाकलन के बीच में होगा शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के ऊपर से खेला हुआ बढ़िया शॉट आखिरकार आखिरी गेंद के ऊपर मिली है बाउंड्री और इसी के साथ पहली इनिंग्स हुई है समाप्त। पहली इनिंग्स के समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए 30 गेंदों में चाहिए 49 रनों की जरूरत। इथे आपण मित्रांनो सन्मान करूया रायगड जिल्ह्यातील एक यशस्वी पॅकर म्हणून ज्यांच्याकडे कार्यरतन पाहिलं जातं ते गोल्डी एंटरप्राइजेसचे सर्वे सर्वा आणि जेव्हा जेव्हा उल्वेनोट प्रीमियर लीग होत असते त्यासाठी पाण्याची व्यवस्था टँकरच्या माध्यमातून ज्यांच्या माध्यमातून केली जाते ते आमचे बामणडोंगरी संघाचे कार्यरतन पुरस्कर्ते तर आहेतच परंतु आज त्यांच्या माध्यमातून कार्यरतन वाकलंग क्रिकेट संघाला पुरस्कृत केलं गेलं ते सुहास शेठ गोंधळी साहेबांचा इथे शुभ सन्मान केला झाला आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी विद्यमान उपसरपंच आर आर वास्कर साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या पवित्र शुभास्ते आपण या ठिकाणी सुहास शेठ गोंधळी यांचा या स्पर्धेच्या वतीने शुभ सन्मान करावा। आर आर वास्कर सामाजिक संस्था यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तुम्ही पाहताय। चला वाकलंग क्रिकेट संघाचे कर्णधार आपण या टॉस करण्यासाठी आणि मी विनंती करतो या ठिकाणी सांबरली क्रिकेट संघाचे संघनायक आपण देखील टॉससाठी संपर्क साधा। तर इथे सन्मान तुम्ही पाहताय सुहास शेठ गोंधळी यांचा आर आर वास्कर साहेब विद्यमान उपसरपंच यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी हा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान आपण करूया आई एकवीरा भंगारपाडा संघाचे आजचे पॅकर्स सन्माननीय मिथुन शेठ नाईक जावले यांचा देखील इथे शुभ सन्मान केला जाईल। मी विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य विनोदजी भोईर साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभास्ते या ठिकाणी भंगारपाडा संघाचे पॅकर सन्माननीय मिथुनजी नाईक यांचा इथे आपण शुभ सन्मान करावा। माईची उपदार शाल पुष्पगुच्छ आणि सौंदर्याचं प्रतीक या स्पर्धेच्या आठवण सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा हा सन्मान तुम्ही पाहताय। बॉबी कोहली पनवेल प्रीमियर लीग साठी ज्यांनी दमदार मेहनत घेतली मित्रांनो रात्रीचा दिवस केला भर पाऊस पडला तरी त्याने हार मानली नाही आणि तो पाणी त्याने मैदानातून साफ केला त्याच्यानंतर ग्रीट टाकली आणि मैदान सुसज्ज बनवलं ते बॉबी कोहली आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं। वेतालदेव क्रिकेट संघ सांबाली टीमचे कॅप्टन टॉस साठी या आपल्याला शेवटचा पुकार असेल आणि गोल्डी इलेव्हन या ठिकाणी वाकलन जीत भोईर आपला संघनायक आपण टॉस साठी पाठवा प्लीज थँक्यू आलेत। तसेच गजाननजी गोसावी साहेब यांचा देखील इथे शुभ सन्मान केला जाईल। मी ऋषी भास्कर साहेब माझे उपसरपंच यांना विनंती करतो की आपल्या शुभास्ते त्यांचा सन्मान या ठिकाणी आपण करावा। तसेच पुढचा सन्मान आपण करूया तर रविदादा देढे यांचा देखील इथे शुभ सन्मान केला जाईल। त्यांना विनंती करतो की आपण देखील स्वागत कक्षामध्ये यावं आपला देखील शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल। रविदादा देढे यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी विनंती करतो ऋषी भास्कर साहेब माझे उपसरपंच की आपल्या शुभास्ते आपण हा सन्मान करावा।
तर टॉस करूया आपण दोन टीम मध्ये। तर या ठिकाणी मित्रांनो अनय सुजल एंटरप्राइजेस 11 वेतालदेव चांभारले संघाचे पॅकर्स उमेश मुंडे साहेब आणि सुधीरजी शिंदे साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं। आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने। टॉस आपण घेऊया दोन टीम मध्ये जिथे जोडले जातील गोल्डी 11 माकलन संघाचे कॅप्टन आणि त्यांच्या समेत असतील अनय सुजल एंटरप्राइजेस 11 सांभारली। या दोन टीम मध्ये ही लढाई टॉस करण्यासाठी आपण आमंत्रित करूया सन्माननीय अतिथी हसुराम मास्कर साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या शुभास्ते या ठिकाणी आपण टॉस करावं या दोन टीम मध्ये। पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना हसुराम मास्कर साहेबांच्या शुभास्ते आपण या ठिकाणी टॉस करूया। तर उमेश गायकर एकीकडे तुम्ही पाहताय, उमेश भुईर आणि अतुल जांभळे दोन कॅप्टन या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। हसुराम मास्कर साहेब आपण यावं, आपल्या शुभास्ते आपण या ठिकाणी टॉस करावा। मॅच मध्ये जे सुरू झाले आपण पाहिलं तर चेंडू डिफाईन लेग कडे गेलाय, ओमकारच्या बॅट मधून मिळतील दोन धाबा। हॅलो, तर टॉस जिंकला या ठिकाणी गोल्डी 11 वाकलन क्रिकेट संघानं। जो काही निर्णय असेल तुम्ही ही मॅच संपल्यानंतर लगेचच निर्णय घ्या। थँक्यू, दोन्ही टीमला खूप खूप शुभेच्छा। यस, ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स रिव्हॉल्व सर। थँक्यू प्रवीण। खरं तर पहिल्या बॉलवर दोन धावा आल्यात, तमाम क्रीडारसिक या मॅचचा आनंद घेतात। आपण पाहतोय कुंडेवाल ग्रामस्थ, बंगारपाडा ग्रामस्थ, ओले ग्रामस्थ आणि टेनिस क्रिकेट जे दोन संघ खेळत आहेत त्या सर्वांचे बिग सपोर्टर या मॅचचा आनंद घेताना। खरं तर ओंकार पाटीलच्या बॅट म्हणून डीप एक्स्ट्रा कव्हरला येतोय हा खणखणीत चौका। थँक्यू डीजे। मित्रांनो आज खऱ्या अर्थानं आपण पाहू शकाल वाकलन क्रिकेट संघाचा मिडल ऑर्डर्स मधील सर्वात घातक फलंदाज केतन मात्रे यांचे बंधू आज किरण मात्रे यांचा वाढदिवस। किरण आपल्याला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। आयुष्याच्या वाटेवरती चालत असताना नेहमी दमदार कार्य तुमच्या माध्यमातून हो आणि फलंदाजी करत असताना जेव्हा जेव्हा एक बॉल सहा धावांची गरज असते तेव्हा तेव्हा तुम्ही षटकार दाखता। किरण तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। इथे खराब क्षेत्ररक्षण, हातातून चेंडू साधा सोपा चेंडू होता आणि तो हातातून निसडल्यानंतर येतोय चौकार। तर किरण आपण व्यासपीठावरती यावं, आपल्याला स्पर्धेचे आयोजक माजी उपसरपंच ऋषीदादा आपल्याला या ठिकाणी आमंत्रित करत आहेत। किरण यावं आपण व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत। आणखी चौकार आलाय आणि टोटल जाऊन पोहोचली आता मात्र 10 या धावसंख्येवर। करायचे आहेत आपण पाहिलं तर 49 धावा, 5 षटक आणि 49 धावा। ओमसाई एकता भंगारपाडा संघ सुरुवातीपासून आपण बघितलं तर 5 षटकांमध्ये कमी धावांवर थांबला आणि त्याचा फाटला करताना मुरबी संघ इथे ओमकार आडव्या बॅटने खेळतोय, पायानं अडवण्याचा प्रयत्न, चेंडू थांबणार नाही, चेंडू जाईल हा म्हणता सीमारेषेच्या पलीकडे येतोय ओमकारच्या बॅटमधून सलग तिसरा चौकार। थँक्यू डीजे। ओमकार पाटील नेहमीच सुरुवात तुफानी करणारा फलंदाज, फुलर लेनचा बॉल, पुन्हा एकदा गॅप शोधली, फक्त टायमिंग दिली, त्याने हेरलं की लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक नाहीये, दिशा दिली आणि आणखी एक चौथा सलग चौकार येतोय। चेतन गोसावी महागडा ठरतोय, चेतन गोसावी सलामीचं षटक घेऊन येताना ओमसाई एकता भंगारपडाकडनं फुलटॉस बॉल, ओव्हरस्टेप झालाय, एक पाऊल पुढे होऊन सरळ दिशेने खेळलाय, चेंडू जाईल पुन्हा एकदा एका टप्प्यानं, अमित अंपायरच्या भूमिकेत इशारा करतायत चौकार। थँक्यू डीजे। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त, ओमकारच्या बॅट मधून सलग 5 चौकार पाहायला मिळाले। मगाशी निखिल गोवारीने सलग 5 षटकार ठोकले होते, कामोटे संघाचा निखिल गोवारी ज्यानं सलग 5 षटकार ठोकले होते जिशान शेखवर, इथे मात्र चेतन गोसावीवर या गोलंदाजावर पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ओमकार पाटीलनं सलग 5 चौकार।
पहाय मिलते एक षटका खेल समाप्त झाल्यानंतर 22 टोटल 22 धावा धावफलकावर 47 धावांच 49 धावांच लक्ष्य असताना आता 24 चेंडू आणि आता धावा उरल्या आहेत 27. गोलंदाज सिद्धेश मास्कर एक फास्टर बॉलर ऑलराउंडर खेळाडू. पहिलाच बॉल तो देखील पा अगदी पाडळसूप पद्धतीने खेळलाय विक्की पाटील डावखुरा फलंदाज आणि त्याच्या बाटमधून येतोय चौकार. थँक यू डीजे. खरं तर आपण मुरबीड संघाला पाहतोय बऱ्याच कालावधीनंतर हे जुने खेळाडू सर्व एकत्रित आलेत आणि नवनवीन खेळाडूंना देखील त्यांनी एकत्र घेतलेत आणि एक एक जुटीनं युनिटी करून हा संघ उतरला. इथे कॉटन बॉल अर्थातच क्लीन बोल्ड झाला ज्या पद्धतीनं बॅटला कट लागली आणि त्यानंतर स्टंपवर आदळला. फलंदाज होईल विक्की पाटील हा बाद. विकी पाटील पहिला धक्का मिळतोय मुरबी संघाला. प्रेमनाथ 11 मुरबी हे फार जुनं नाव आहे. आपण बघितलं तर हर्षाली 11 मुरबी हे नाव देखील बघितलं. त्यानंतर आपण संकेत पाटील ज्या संघाचा संघनायक होता यंग स्टार प्लेअरला घेऊन खेळायचा त्यावेळी देखील हा मुरबी संघ उतरायचा. म्हणजेच आज आपण पाहतोय तर एकाग्रता आणि युनिटी करूनही हा संघ पुन्हा एकदा आपल्याला या मैदानावर खेळताना पाहायला मिळतोय बऱ्याच कालावधीनंतर. आणि चांगली कामगिरी अतिशय चांगली कामगिरी आतापर्यंत पाहायला मिळते कारण गोलंदाजी देखील खूप चांगली झाली आणि फलंदाजीच्या माध्यमातून ओमकार पाटीलनं तेवढीच चांगली सुरुवात केली. नवीन फलंदाज जातोय मुकेश ठाकूर ज्याला बुमबुम म्हटलं जातं अर्थात बुमबुम मुकेश ठाकूर वन डाऊन फलंदाज इनेट नंबर 3 तिसऱ्या क्रमांकावर जातोय. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावा पाहायला मिळाल्या 22. दुसऱ्या षटकाला सिद्धेश वास्करच्या सुरुवात झाल्या. चौकार पहिल्या बॉलवर आला त्यानंतर त्यानं लगेच मात्र पलटवार केला. पहिल्याच बॉलवर 30 ताकद तोच दरारा तीच दहशत आणि मुकेश ठाकूर बुमबुम त्याच्या बॅट मधून येतोय हा खणखणीत षटकार. थँक्यू डी झे भाऊ ठाकूर यांचे बंधू मुकेश ठाकूर आता मात्र शरीराचा वेध घेतलाय. बिलकुल सर आपने सही बात छेड़ी. एक जमाने के मुरबी टीम के बाएं हाथ के सबसे तेज गेंदबाज के तौर पर अभी जाना जाता था भाऊ ठाकूर माजी ग्राम पंचायत सदस्य मुरबी के. और आज भी देखिए उनके छोटे भाई मुकेश जी ने बुमबुम के नाम से जाना जाता है और लंबे समय के बाद यह बेहतरीन छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला. 6 धावा वाढल्यात नक्कीच प्रवीण. आपण पाहिलं तर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 32 या आकड्यावर 49 धावांचं लक्ष. हा चेंडू अगदी खोलात फेकलाय आणि सिद्धेश श्रीवास्कर सांगतोय की मी देखील विश्लेषण दाख करू शकतो गोलंदाजीमध्ये आणि लगेच पलटवार केलाय मुकेश ठाकूरला केलाय क्लीन बोल्ड. यो 32 धावांवर मुकेश हा दुसरा फलंदाज बाद होते सांघिक विचार केला तर. आणि सिद्धेश वास्कर हा एक ऑलराउंडर खेळाडू आहे अनेक विक्रम त्याच्या नावावर देखील आहे. ओपन संघातून सातत्यानं चांगला खेळ करणारा. परंतु पहिला षटक चेतन गोसावीला दिला आणि चेतन गोसावीने थोड्याशा निराशा नक्कीच केल्यात परंतु ते या निराशा भरून काढण्याचं काम मात्र सिद्धेश वास्कर करतोय. पहिल्या बॉलवर चौकार त्यानंतर षटकार आला परंतु विकेट मात्र त्यानं दोन्ही महत्वाचे टिपलेत. धावसंख्या धावफलकावर 32 मुकेश बाद झाला एक षटकाराच्या मदतीने 6 धावांवर आणि नवीन फलंदाज मैदानात जातोय परेश ठाकूर. परेश ठाकूर स्ट्राईक घेतोय ओम साई क्रिकेट क्लब भंगारपाडा. येणाऱ्या खरं तर आपण पाहतोय डिसेंबर महिन्यात 28, 29, 30, 31 रोजी ओला साखळी मैदान आर्या स्पोर्ट्स मैदान ओले या मैदानावर एक स्पर्धा आहे अर्थातच याच भंगारपाडा संघ आयोजित. व्हाईट बॉल समीरजी कटेकर आणि सतीशजी कटेकर हे दोन बंधू या स्पर्धेचे आयोजक आहेत. ग्रामस्थ मंडल भंगारपाडा साखळी मैदान ओले फाटा या मैदानावर ही स्पर्धा आपल्या भेटीला येणार आहे. नक्कीच आता 2 ते 3 संघ बाकी आहेत ज्या संघांना सहभाग घ्यायचा असेल सिद्धेश वास्कर यांच्याशी तुम्ही संपर्क साधा.
आज त्यांचा संघ मात्र मैदानावर खेळतोय आणि मुरबे टीमच्या विरोधात स्लोवर बॉल अगदी पदताळीचा वापर फुटबॉलचा वापर खूप प्रमाणात केला होता. ऑफस्टंपला निघून परेश खेळण्याचा प्रयत्न करत असताना चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क आला नाही. अशा परिस्थितीमध्ये डॉट बॉलची समाप्ती झाली. ते दोन षटकांचा खेळ समाप्तही देखील झाला आणि धावसंख्या धावफलकावर 33. आता अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि 16 धावांची गरज. 18 चेंडू आणि 16 धावा म्हणजे 2 चेंडू जास्त प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत. आव्हान सोपं झालंय प्रेमनाथ 11 मोरबी संघासाठी. थँक यू डीजे. धावसंख्या धावफलकावर 41. 41 धावा धावफलकावर लागले आहेत. प्रेम दमडे महागडा ठरतोय. इथे मात्र अगदी डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं खेळलाय तो देखील चौकार. विक्रम निर्माण झालाय. 8 बॉल 8 सलग चौकार. थँक यू डीजे. फक्त आता 4 धावांची गरज आहे. एक चौकार राहिलाय तो मारून देखील ओमकार कंप्लीट करेल का. डॉट बॉल जातोय. एक चौकाराची गरज आहे. सलग 9वा चौकार येईल का अशा अपेक्षेनं पाहिलं होतं सर्व प्रेक्षकांनी. परंतु 4 धावांची गरज असताना प्रेमनं हा डॉट बॉल फेकलाय. आदरणीय सन्माननीय बलिरामजी पाटील उद्योगपती कुंडेवा यांचंही नेहमी योगदान असतं आम्हाला. बलिराम पाटील यांचं आगमन झालंय. हार्दिक स्वागत. कारण प्रत्येक वर्षी समाधान वासकर यांची जी स्पर्धा असते कानोवा स्पोर्ट्स कुंडेवाल बलिराम आवर्जून या ठिकाणी उपस्थित असतात. तर आपलंही स्वागत आहे बलिराम पाटील साहेब. सहर्ष स्वागत. 4 धावांची गरज उरलेत. आता फक्त या ठिकाणी जिंकण्याकरता 4 धावा. हा अगदी हेलिकॉप्टर पद्धतीने खेळला आहे परंतु नाराज आहे. हा फटका प्रॉपर टायमिंग झाला नाही. विस्टॅमिंग स्ट्रोक आणि ओमकार पाटीलच्या खेळीला मिळतो पूर्ण विराम. फलंदाज बाद. थँक्यू. आणि मैदानात बबलू संकेत पाटील जात असताना पाहायला मिळतोय. बबलू संकेत संकेत पाटीलचा विचार केला ना प्रणय तर एक कॉमेडी प्लेअर आहे. 4 धावांची गरज आहे. स्ट्राईकला बॅट्समन परेश ठाकूर. गोलंदाज विघ्नेश. 4 धावांची गरज आहे. सिंगल आणि संकेतला संधी दिली खेळण्याची. कारण त्याला माहित आहे की मॅच आपण पूर्णपणे आता विजयाच्या उंबरठ्यावर आहोत. संकेतला एक संधी देऊया खेळण्यासाठी. 3 धावांची अजूनही गरज आहे मॅच समाप्त होण्याकरता आणि अजूनही षटक बाकी आहे. संकेतनं सरळ स्ट्रेट अप वर्धन खेळला. चेतन गोसावी आहे त्या ठिकाणी.
एक धाव मिळते, एक धाव मिळते आणि दोन धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. जणू काही प्रॅक्टिस मॅच सुरू आहे असंच काहीतरी चित्र पाहायला मिळतंय. एकतर्फी सामना आजच्या दिवसातला आज आपण पाहतोय. बाकीच्या अगोदरचे सामने खूप रोमर्षक झाले, अगदी अतितटीचे सामने पाहायला मिळाले. प्रेक्षक वर्ग अगदी खुश झाला त्या मागच्या सामन्यांमध्ये. तो हा सामना थोडा अगदी एकतर्फी निराशाजनक कामगिरी होत असताना डॉट बॉल जातोय. औपचारिकता बाकी आहे, दोन धावांची गरज आहे. मग फक्त दोन धावा पूर्ण होण्याची वाट. आणि हा भिरकावून दिलाय थर्ड मॅन एरियाकडे, डीप थर्ड मॅनला जातोय चेंडू. चार धावांसाठी विजयी फटका, चौकार. थँक्यू डीजे. या व्यासपीठावर आता ज्यांचं आगमन झालं, खरं तर कान्होबा स्पोर्ट्स कुंडेवाला आयोजित या ट्रॉफीमध्ये सातत्यानं प्रत्येक वर्षी न विसरता अगदी मोलाचं योगदान